गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने नवजात शिशुओं के जन्म के पश्चात की आवश्यकताओं पर चर्चा की थी। इसी में आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं शिशु के वृद्धि और विकास। तो आइए हम लोग वृद्धि और विकास पे चर्चा करते हैं। जीवन में समायोजन के लिए क्रियात्मक योग्यताओं का होना बहुत आवश्यक है। क्रियात्मक योग्यता के द्वारा ही मांसपेशियों पर नियंत्रण होता है तथा विकास निर्देशन के नियमों के अनुसार अनुशासित होता है। क्रियात्मक योग्यता क्या हो गया? ये शरीर के आंतरिक अवयवों के विकास के फलस्वरूप होता है, जिसमें हड्डियाँ, मांसपेशियाँ, धमनियाँ, इन सब चीज़ों का वृद्धि और विकास होता है, जिससे शरीर में संतुलन उत्पन्न होता है। शिशु का विकास प्रारंभ में तो काफ़ी तीव्र गति से होता है, लेकिन धीरे धीरे शिशु के विकास की तीव्रता कम हो जाती है। शिशु के विकास की जो अवधि है वो प्रारंभिक अवधि काफ़ी तीव्र होती है, लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे जैसे वे बढ़ता जाता है उसके विकास की अवधि कम हो जाती है, धीमी पड़ जाती है। बालक के शारीरिक विकास को तो देखा जा सकता है, लेकिन जैसे जैसे बच्चे की आयु में वृद्धि होती जाती है वैसे वैसे शिशु का शारीरिक एवं मानसिक विकास होता जाता है तथा उसका सामाजिक, संवेगात्मक तथा भाषा का विकास भी साथ साथ होता है। यानी कि शारीरिक विकास के साथ साथ सामाजिक, मानसिक और भाषा का भी विकास होने लगता है। फिर है क्रियात्मक एवं शारीरिक विकास के निर्देशन। इसमें देखते हैं किसी भी बच्चे के शारीरिक एवं क्रियात्मक विकास की कोई सीमा नहीं होती है, लेकिन फिर भी उसके विकास का एक निश्चित प्रतिरूप होता है। बच्चे की लंबाई में प्रतिवर्ष कितनी वृद्धि होगी इस बात का कोई निश्चित अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। उसके भार में कितनी वृद्धि होगी ये भी नहीं जाना जा सकता है, लेकिन फिर भी प्रत्येक बच्चे के विकास का एक निश्चित प्रतिरूप होता है। बच्चों के व्यक्तित्व में भी भिन्नताएं पाई जाती है। सभी बच्चों के व्यक्तित्व में अलगाव होता है, अलग 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 तरह का व्यक्तित्व होता है बच्चों का। फिर है बच्चों के क्रियात्मक स्तर। बच्चों के क्रियात्मक विकास के स्तर तथा विकास स्तरीय मील के पत्थर जैसे आयु स्तर में भी भिन्नता होती है। मील के पत्थर में बच्चों के जो विकास के परिमाण है उसे जाना जाता है कि किस उम्र में बच्चे में क्या परिवर्तन हुआ। विकास के सिद्धांत तथा विशेषताएं सार्वभौमिक नमूने हैं। जीवन के एक पहलू से दूसरे पहलू में परिवर्तन अर्थात जन्म से पूर्व अथवा गर्भकालीन अवस्था, जन्म के बाद। तो इसमें देखते हैं जन्म के बाद विकास को विस्तृत रूप से विभिन्न आयु श्रेणियों में बांट दिया गया है, विभक्त किया गया है। तो मानव विकास की विभिन्न अवस्थाएं हैं, मानव विकास की विभिन्न अवस्थाएं हैं, जिसमें पहली अवस्था है गर्भावस्था। गर्भावस्था में क्या होता है कि एक शिशु का विकास छोटे से भ्रूण से बाल रूप ग्रहण कर लेता है, बच्चे का रूप ग्रहण कर लेता है, और इसकी अवधि जो है वो 9 महीने की होती है। दूसरा है शैशवावस्था, जो है 2 सप्ताह से 2 वर्षों तक होती है। थर्ड है उत्तर शैशवावस्था। शैशवावस्था के बाद की अवस्था है ये, इसे कहा जाता है 2 सप्ताह से 2 वर्ष, सॉरी, शैशवावस्था की जो अवधि है वो जन्म से 2 सप्ताह मानी गई है, और उत्तर शैशवावस्था जो है वो 2 सप्ताह से 2 वर्ष। फिर है बाल्यावस्था, इसकी अवधि जो है वो है 2 वर्ष से 12 वर्ष। 2 वर्ष से 12 वर्ष की अवधि को बाल्यावस्था
माना गया है। फिर है किशोरावस्था, 12 वर्ष से ऊपर, 12 से 21 वर्ष किशोरावस्था की अवधि है। और प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ावस्था की जो आयु है, उम्र सीमा, वो 21 से 40 वर्ष। विकास केवल शारीरिक आकार तथा अनुपात में नहीं, अनुपात में ही परिवर्तन नहीं है, बल्कि यह विभिन्न संरचनाओं तथा कार्यों को एकत्रित करने की एक जटिल प्रक्रिया है। सिर्फ क्या है, ये शारीरिक आकार अनुपात में परिवर्तन नहीं है, इसमें क्या है कि विभिन्न शरीर की विभिन्न प्रकार की संरचनाओं का एकजुट होना, और ये बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। एक बालक की शारीरिक वृद्धि से अभिप्राय है कि उसकी लंबाई, भार तथा अन्य शारीरिक परिवर्तन में भी वृद्धि में ही वृद्धि होना है। शारीरिक विकास में हम लोग क्या देखते हैं, आयु, सॉरी, भार, लंबाई, शारीरिक अनुपात, इन सब चीज़ों पर ध्यान देते हैं। आयु के अनुसार ही बालक के बाल आते हैं, दांत आते हैं तथा दूध के दांत गिरते हैं व अन्य दांत भी आने शुरू हो जाते हैं। जैसे जैसे शिशु का उम्र बढ़ता जाता है, वैसे वैसे इनमें ये सब परिवर्तन आते हैं। बहुत छोटा बच्चा है, किसी बच्चे के सिर में बहुत सारे बाल होते हैं, किसी बच्चे के सिर में बाल बिल्कुल भी नहीं होते हैं, धीरे धीरे बाल आते हैं। इसी तरह से दांत है, तो दांतों का क्या है कि माँ के गर्भ में ही बच्चे का मसूड़े का निर्माण हो जाता है, लेकिन 6 महीने आने होने पर ही बच्चों में दांत आने शुरू होते हैं। और इसमें भी 2 तरह से दूध के दांत अलग होते हैं, फिर वो गिरते हैं तो फिर नए दांतों का निर्माण होता है, जो अस्थाई दांत के रूप में जाने जाते हैं। वृद्धि तथा विकास में न केवल वे शारीरिक परिवर्तन सम्मिलित हैं जो बाल्यावस्था से किशोरावस्था में पाए जाते हैं, बल्कि कुछ अन्य परिवर्तन, भावनाएं या संवेग, व्यक्तित्व, व्यवहार, सोच, वाणी, जिसे बालक विकसित करते हैं। तो बालक के विकास में सिर्फ शारीरिक विकास सम्मिलित नहीं है, और ये बच्चों में क्या है, मानसिक विकास, भाषा का विकास, सामाजिक विकास, बहुत सारे विकास हैं। फिर है किशोरावस्था में बहुत सारे परिवर्तन आते हैं, जैसे शुरू से ही भावनाएं या संवेग बच्चों में पाए जाते हैं, ये आगे तक चलता है। व्यक्तित्व, बच्चों के व्यक्तित्व का विकास होता है, उसके व्यवहार में परिवर्तन, उसके सोच में परिवर्तन, वाणी, जिसे बालक विकसित करते हैं, क्योंकि वे अपने चारों ओर की दुनिया को समझना तथा उसके साथ क्रिया करना प्रारंभ कर देते हैं। जैसे जैसे शिशु बड़ा होता है, सबसे पहले तो शारीरिक विकास, क्रियात्मक विकास, उसके बाद जैसे वो बड़ा होता है उसका उसके अंदर मानसिक विकास, सामाजिक विकास भी शुरू हो जाते हैं। समाज में आते ही बच्चे के व्यवहारों में बहुत तरह का परिवर्तन होना आरंभ हो जाता है, क्योंकि वो बहुत कुछ सीखते हैं वहाँ से। इसके बाद हम लोग देखेंगे वृद्धि और विकास में अंतर। वृद्धि और विकास में क्या अंतर है, क्या है वृद्धि और विकास, देखने में या सुनने में बिल्कुल एक समान लगता है, लेकिन इनमें विभिन्नताएं पाई जाती है। तो जैसे देखते हैं, वृद्धि शारीरिक अंगों का एकांगी विस्तार है, जबकि विकास जो है वो बहुमुखी है। दूसरा है वृद्धि जन्मजात गुणों पर आधारित शारीरिक एवं मानसिक परिपक्वता पर निर्भर करती है, जबकि विकास शारीरिक एवं मानसिक गुणों के परिवर्तन के अतिरिक्त सामाजिक संवेगात्मक एवं प्रगतिशील परिवर्तन भी लाता है। फिर नेक्स्ट है वृद्धि व्यक्ति भिन्नता पर आधारित होती है, जबकि विकास में समानता पाई जाती है। उसके बाद है
वृद्धि का एक निश्चित एवं स्पष्ट मापन एवं मूल्यांकन किया जाता है, जबकि विकास का स्पष्ट मापन एवं मूल्यांकन असंभव है। थोड़ा अंतर हम लोग और देख लेते हैं। जैसे वृद्धि मात्रात्मक होती है और विकास जो है ये मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों ही होती है। फिर है वृद्धि, इसमें शारीरिक ऊंचाई, भार, विभिन्न अंगों जैसे मस्तिष्क के मस्तिष्क की संरचना दिखती है। जबकि विकास जो है इसमें शारीरिक परिवर्तन के साथ साथ सामाजिक, मानसिक व संवेगात्मक परिवर्तनों का भी समावेश होता है। फिर तीसरा है, यह वृद्धि या कोशिका गुणन के कारण होती है और विकास जो है यह क्रियात्मक क्षमता की वृद्धि व उन्नत समायोजन संबंधी प्रक्रियाओं के कारण होता है। फिर हम लोग वृद्धि देखते हैं। वृद्धि को मापा जा सकता है, लेकिन क्या है, विकास जो है इसका अवलोकन परिपक्व व्यवहार के आधार पर किया जाता है। बच्चे में परिपक्वता को देखते हुए उसका अवलोकन किया जाता है। फिर है, वृद्धि एक निश्चित अवधि के लिए होती है, जबकि विकास जो है वो मृत्यु पर्यंत चलता रहता है। यानी कि जब तक हम जीवित हैं तब तक विकास चलता रहता है। और लास्ट है, वृद्धि व्यक्तित्व के आयाम को बताता है। इसका क्षेत्र बहुत संकुचित है, लेकिन विकास जो है वो व्यक्तित्व के सभी आयामों से संबंधित है और इसका क्षेत्र जो है वो काफ़ी विकसित है। तो वे बालक जो अत्यधिक समय समूह द्वारा देखभाल में व्यतीत करते हैं, प्रारंभिक रूप से अधिक उत्तम सामाजिक कौशल को विकसित करना प्रारंभ कर देते हैं। जो बच्चे क्या हैं, बहुत सारे बच्चों के ग्रुप में हो या घर परिवार में बहुत सारे लोगों के बीच होते हैं, तो उन वैसे बच्चों का जो सामाजिक विकास है वो काफ़ी हद तक बहुत अच्छा माना जाता है और नए नए चीज़ों को सीखने में लोगों के बीच रहने का उसे बहुत फायदा होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि उत्तम सामाजिक कौशल को घर पर जो है वो बच्चों का घर पर ही विकसित होना प्रारंभ हो जाता है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। आप लोग एक बार इसे फिर से देखेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।